गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए, अरहम जो है वो जाग चुका है, तो ये अपने पापा के साथ खेल रहा है। हालांकि वो सोए हैं, अभी उठे नहीं, तो उनको उठाने की कोशिश कर रहा है। इसको सुबह सुबह इतनी मस्ती सूझ रही है, देखिए किस तरीके से परेशान करके हंस रहा है अपने पापा को। तो गाइस, जब तक अरहम मस्ती कर रहा है पापा के साथ, तब तक मैं रेडी कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में पहले मैं अरहम के लिए दूध गर्म करूँगी, क्योंकि उसको अभी भूख लगेगी थोड़ी देर में। और साथ ही में मैं बॉयल कर रही हूँ एग, क्योंकि आज मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो गया है, वो तो आवाज़ से पता चल रहा होगा, तो मैंने एग बॉयल किए हैं। ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया है, तो अरहम के पापा जो हैं वो खाएँगे सालन के साथ रोटी, और मैं चाय के साथ एग लूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, तो इसलिए मैं लूँगी एग के साथ सिर्फ चाय। और मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और अब टाइम है अरहम के साथ खेलने का, तो मैं कुछ टाइम अपने बेटे को देती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ। ये देखिए किस तरीके से खेल रहा है। कूद के दिखा दो, कूद के ऐसे करके। हाँ, ऐसे करके। क्या कर रहा है वो बेटा? ये क्या वर्जिश कर रहा है वो? ऐसे पैर बेटे, पाँव ऐसे, गंदी बात है बेटे, मेरा बच्चे, गंदी बात है आपकी। पाँव मुंह में लेते हैं क्या? गंदी गंदी हरकत सीखी है आपने, गंदी हरकत सीखी है आपने, पिटाई करूंगी बहुत। ऐसे करते हैं, गंदा बच्चा। इसको पता नहीं क्या आदत हो गई है, अपना पाँव जो है उसका अंगूठा मुंह में लेता रहता है ये। नहीं बच्चे, लो इससे खेल लो, लो इससे खेल लो, लो इससे खेल लो। तो मैंने ये ऑर्डर किया था गाइस, और मेरा पार्सल जो है वो आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी अनबॉक्सिंग आप सबके सामने की जाए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने इसमें क्या ऑर्डर किया है और कैसा आया है। अभी तक मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं की थी, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने मंगाया है रोस्टिंग नेट, जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मुझे यहाँ पर नहीं मिला, मैंने यहाँ पर ढूँढा था, तो इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और जब भी मैं इसका यूज़ करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर वो वीडियो भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से मुझे इसको अपने यूज़ में लाना था। एंड द सेकेंड थिंग इज़, ये सिलिकॉन ब्रश है, जो कि हम किसी भी चीज़ पर ऑयल जब या फिर बटर वगैरह हमें अप्लाई करना होता है, तो इसके थ्रू हम करते हैं, तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि सिलिकॉन का बना हुआ है, तो फूड के लिए ये बेहतर चीज़ है। और तीसरी चीज़ जो है वो है मोमो स्टोंग, तो इसको मैं अभी ओपन कर लेती हूँ पहले। ये देखिए गाइस, ये भी जो है बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है किचन के लिए, तो मुझे इसको भी ऑर्डर करना पड़ा। तो मुझे ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को ऑर्डर कर दिया। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। शाम का टाइम हो रहा है गाइस, तो मैं अरहम को थोड़ा सा ऊपर घुमाने के लिए लेकर आई थी। अब ये देखिए, इसका मुंह जो था वो नीचे रहकर ऑफ
लग रहा था, मैंने सोचा इसको थोड़ा फ्रेश हवा में लेके जाती हूँ ऊपर, तो इसलिए मैं इसको फ्रेश हवा में लेके आई हूँ। अरहम हंस के दिखाओ बेटा, हंस के दिखाओ, हंस के दिखा दो। अरहम अरहम जाओ, अप्पी आवाज दे रही है, अप्पी के पास जाओगे? अरहम कहाँ है अप्पी? अप्पी आवाज दे रही है, जाओ अप्पी के पास। आज अरहम जो है वो बेड पे से नीचे गिर गया और बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट आई है, तो बेचारा बहुत रो रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं मतलब बता नहीं सकती बच्चे माँ के लिए क्या होते हैं, वो बताना बहुत मुश्किल है। मुझे इतना दुख हो रहा है इसको देख के, यहाँ पर रेड रेड भी हो गया था बहुत ज़्यादा मेरा बच्चा। सो गाइज अब हम करते हैं वीडियो का एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।